नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा, खेत में आम बीनने गई मां बेटी और बेटे पर लाठी डंडे से हमला, मारपीट का वीडियो आया सामने, परिवार के ही लोगों ने किया हमला, थाने में नहीं लिखी गई कोई शिकायत। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र से है, जहाँ एक मारपीट की घटना सामने आई है। रीवा के एसपी ऑफिस पहुंचे फरियादी पूजा तिवारी पत्नी रामभूषण तिवारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मैं अपनी पुत्री दिव्यांशी तिवारी एवं पुत्र साहिल तिवारी के साथ बाबई गांव में रहती हूं। मेरा पति रामभूषण तिवारी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लगभग 5 वर्षों से वहां रहकर प्राइवेट नौकरी करते हैं। 9 तारीख को लगभग शाम 5 बजे आंधी तूफान आने के कारण मेरे हिस्से के आम के खेत में कई सारे आम गिर गए थे, जिसको हम लोग अपने ही खेत में बीनने गए हुए थे। तभी हमारे चाचा ससुर हरि विष्णु तिवारी व उनकी पत्नी सुभद्रा तिवारी मेरे पास आई और बोली कि आम क्यों बीन रहे हो, ये आम का पेड़ मेरा है। तब मैंने बोला कि ये आम का पेड़ हमारे बंटवारे में भी है। इतने में उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया और मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। फरियादियों ने बताया कि हमारी शिकायत समरिया थाने में नहीं लिखी गई, जिससे हम रीवा के एसपी ऑफिस में शिकायत करने आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं मारपीट का लाइव वीडियो और सुनते हैं कि पीड़ित ने क्या बताया। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट।